हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ कैल्शियम से भरपूर एक नाश्ते की रेसिपी। अगर आप डाइट कर रहे हैं तब भी इसे आप इजीली बनाकर खा सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है आधा कप रागी का आटा, यानी मैंने यहाँ पर ले लिया है आधा कप नाचनी का आटा। इसे मैं डाल दूँगी एक बड़े बोल में। नाचनी का आटा कैल्शियम से भरपूर होता है और बहुत ही हेल्दी होता है, तो इसे हमें ज़रूर खाना चाहिए। तो मैंने इसे एक बड़े बोल में डाल दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी बारीक कटी हुई वेजिटेबल्स। तो मैंने यहाँ पर ले लिए बारीक कटे हुए धनिया, एक प्याज ले लिया है मैंने छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी मैंने ले ली यहाँ पर ये कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, एक हरी मिर्च ले ली है मैंने यहाँ पर ये बारीक कटी हुई। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर। आप चाहे तो इसमें पत्ता गोभी भी ऐड कर सकते हैं बारीक चॉप करके, या फिर गाजर को ग्रेट करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हल्का हल्का इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर, इसके जगह पर आप चाहें तो काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। मैंने इसमें गेहूं का आटा ऐड नहीं किया है, आप चाहें तो बाइंडिंग के लिए इसमें 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा भी ऐड कर सकते हैं, फिर इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। पर फिलहाल मैं इसे ऐसे ही बना रही हूँ। तो ये देखिए, इसका बैटर बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। हल्का सा पतला ही रखा है बैटर को मैंने। तो एक तरीके से हमारी ग्लूटेन फ्री रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी, अगर इसमें आप आटा ऐड नहीं करेंगे तो। इसको बनाने के लिए मैंने गैस पर रख दिया या तवा गर्म करने के लिए। मैंने इस पर डाल दिया थोड़ा सा ऑयल, इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी ये बैटर जो हमने बनाकर रखा है। इतने बैटर से 2 नाश्ते बनकर हमारे तैयार हो जाएंगे। तो मैंने आधा एक बार में डाल दिया है। इसको हल्के हाथ से इस तरीके से स्पून से फैला देंगे। हमने इसमें सब्जियां ऐड करी हैं तो ये हल्का सा मोटा ही बनेगा। और मीडियम हीट पे इसको अच्छे से आप सेक लें, क्योंकि हमने इसमें आटा या कुछ और बाइंडिंग एजेंट ऐड नहीं किया है तो इसमें हल्के से क्रैक्स आएंगे। तो ये देखिए, एक तरफ से हल्का सा पक गया है। तो इसको पलटने के लिए मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट पे। इस तरीके से प्लेट को उल्टा करके मैं इसके ऊपर निकाल लूँगी इसको। अब मैं इसको इस तरीके से पलट दूँगी। तो इसी तरीके से दोनों तरफ से इसको अच्छे से हम सेक लेंगे, जब तक कि अच्छे से ये पकना चाहे। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये नाश्ता मेरा बनके तैयार हो गया। इसे मैंने निकाल लिया है एक प्लेट में। इसे आप सर्व कीजिए दही के साथ या फिर धनिया पुदीने की चटनी के साथ, कैसे भी इसे आप खा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।